हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है डोंट टेक जेईई एग्जाम लाइटली। ठीक है, जेईई एग्जाम को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, इसको पास करना भी जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात है कि हम जो फेल करते हैं, सबसे बड़ा कारण होता है लाइटली ले लेते एग्जाम को। जो मेजर फेलिंग इश्यू है वो क्या है, लाइटली लेना एग्जाम को, है ना। हम लाइटली ले लेते हैं एग्जाम को, यही सबसे बड़ा इश्यू है। आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देते हैं, अगर सॉरी इसमें अगर 100 स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो केवल 5 से 7 ही स्टूडेंट पास करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल 3 पेपर्स, ठीक है। तीनों पेपर पहली बार देने में केवल 5-7 लोग ही पास करते हैं, यानी 95 से 93 स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं। कई लोग ऐसे से मिलेंगे जो 10 बार 12 बार जेईई एग्जाम दे रहे, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए क्या इश्यू है, ठीक है। तो मेजर इश्यू ये है कि पेपर का एग्जाम लाइटली नहीं है और इसको आप इतना आसानी से मत लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, तभी तो लोग फेल कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें एक और समझने वाली बात है कि हम लोग जो होता है ना एग्जाम को लास्ट मोमेंट में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। लास्ट मोमेंट हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें क्या होता है, जो लास्ट मोमेंट स्टडी करते हैं तो मुश्किल से 2 दिन 5 दिन 10 दिन यही पढ़ते हैं, जो 7 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं, काम खत्म। और यही सबसे बड़ा रीजन है जो आपको फेल कराता है एग्जाम। पास करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ स्टडी, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तभी आप पास कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो आपका अदर इश्यूज है वो क्या है, सबसे बड़ा लैक ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का कमी है। अगर कोई आदमी घर मान लीजिए रात के 8 बजे आता है या 7 बजे, 7 बजे से लोग 9 बजे तक आते हैं घर, ठीक है, इतने बजे घर पहुंचेगा, उसके बाद बेचारे को या तो खुद खाना बनाना पड़ेगा, मान लीजिए जिनकी शादी हो गई होगी तो खाना ब्रेड वेड भी मिल जाएगा, फिर भी आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बचता है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, ठीक है, कि आप कुछ करें। तो जब लैक ऑफ एनर्जी है, एंथुसियाज्म की कमी है, इच्छा की कमी है, तो आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा बात होता है कि सही बात है, जो सुबह से शाम अगर काम करेगा उसका सिर्फ बोलोगे पढ़ाई करो, शरीर में जान तो बचती है नहीं, क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है बल्कि बुक जो है इतना मोटा बुक है, ठीक है, कि आप उसको देख के आप पढ़ाई आधे मर जाएगा। 700 पढ़ने का एक बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, 2100 पेज हो गया। अब 2100 पेज कौन पढ़ेगा, संभव ही नहीं है, ठीक है, पहले आदमी हिम्मत हार जाता है इतना मोटा बुक देख के। फिर चौथा पॉइंट क्या है इसमें, कि आप हम लोग जो होता है इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसके, इसमें कि आपका टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा बुक है, ठीक है। और यहां पे एक चीज और आ जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इच्छा भी नहीं होती पढ़ने की, ठीक है। अभी कंपटीशन देख के आप बैंक में घुसे हैं, बैंक पीओ होंगे चाहे बैंक क्लर्क होंगे, फिर से एक नया ड्रामा चालू हो गया, भाई जेईई पढ़ो और सीआईई पढ़ो। तो अब ये चीज क्या है, एक तरीके से नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना समझ में आता है, नौकरी के बाद भी घुसने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, और यहीं पे नहीं खत्म होगा, जेईई बाद सीआईई दीजिएगा, सीआईई बाद बैंक प्रमोशन में पढ़ाई करिएगा, पढ़ाई जिंदगी भर चलेगा। बैंक की नौकरी में एक चीज है,
तो यहाँ पे एक होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कितना पढ़ रहा है यार आदमी, ये भी चीज हो जाता है। पर जीआईबी आपको करना चाहिए, जीआईबी करने से आपको पता ही है कि इंक्रीमेंट लाइफ लॉन्ग है, एक इंक्रीमेंट चाहे पीओ हो या क्लर्क, ऑफिसर हो या क्लर्क, एक इंक्रीमेंट आपको जिंदगी भर मिलेगा, इंक्रीमेंट जो है लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, कोई घाटा तो है नहीं, थोड़ा मेहनत ही तो करना है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए आपने पीके मूवी अगर देखा होगा, पीके मूवी है ना, आई होप बहुत लोगों ने देखा होगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों ने देखा है मेरे समझ से। पीके मूवी अगर पहला काम मैं बोलता हूं कि पीके मूवी का आप स्टोरी रीड करिए, मतलब स्टोरी आप खुद पढ़िए, सेल्फ रीड करिए, है ना, सेल्फ, उसके बाद क्या होता है सेकंड काम क्या करिए, पीके मूवी का किसी से स्टोरी आपको कोई बोल के सुनाए, स्टोरी टेलिंग करिए। तीसरा काम क्या है, पीके मूवी को, ठीक है, आप सिंपली वीडियो देखिए। चौथा काम क्या है, पीके मूवी को आप वीडियो प्लस ऑडियो दोनों काम करिए। तो अगर कोई अभी पीके मूवी देख रहा है उसको, सॉरी पीके मूवी का सिंपली बोल मैं स्टोरी पढ़ लो, तो आपको हो सकता है दो दिन तीन दिन याद रहे सब भूल जाएंगे। फिर पीके मूवी को स्टोरी टेलिंग बोलेगा वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, उसने मुझे ऐसा बताया था ऐसा हुआ था। फिर पीके मूवी का वीडियो देखिए, खाली वीडियो, इसमें ऑडियो नहीं है, तो वीडियो है तो हाँ आपको समझ आएगा, ऐसा एक्सप्रेशन है तो आपको ज्यादा माइंड पे रहेगा, और वीडियो प्लस ऑडियो डाल दे तो आपके माइंड में कम से कम 5-6 महीना बैठा हुआ रहेगा। और आज भी हो गया होगा, काफी समय हो गया, ऐसे 2 साल हो रहा है मूवी को, तो अगर आप आज भी मैं आपसे कोई इंस्टेंस पूछ लूं कि इस मूवी में इस सीन के बाद क्या होगा तो आज भी आप बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट माना जाता है कि 220% ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपली स्टोरी टेलिंग, यानी बुक पढ़ने से ज्यादा बढ़िया है कि आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन देखें और सीखें और समझें, वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दिमाग पे, ओके। हमने क्या किया आपके लिए, हमने आपके लिए वीडियो लेक्चर कोर्स प्लस केस स्टडी वीडियो प्लस क्विक रिवीजन नोट्स प्लस 1000 क्वेश्चन बैंक, ये आपको हम 4 चीज देंगे। क्या हो गया, वीडियो लेक्चर कोर्स, केस स्टडी का वीडियो, क्यू क्यू विजन नोट्स और 1000 क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसको करने से आपका प्रिपरेशन एकदम सॉलिड हो जाएगा, कम से कम पास तो कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप हमारे यहां बाय कर सकते हैं या खरीद सकते हैं एनी सिंगल JAIIB या फिर CAIIB का पेपर जिसका प्राइस है ₹2000। फिर कर सकते हैं बाय ऑल 3 पेपर्स ऑफ JAIIB जिसको कि हम कॉम्बो पैक बोलते हैं, कॉम्बो पैक इसका प्राइस है ₹4500। फिर आप खरीद सकते हैं बाय बोथ कंपल्सरी CAIIB पेपर, इसका प्राइस है ₹3500। फिर आप खरीद सकते हैं बाय बोथ कंपल्सरी CAIIB पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग
जिसका प्राइस है रुपीज 4000, यहाँ लिख लीजिए, जिसका प्राइस है रुपीज 4500, ठीक है। यानी कोई सिंगल पेपर ले रहे हैं जेबी का या सीआईबी का तो प्राइस है 2000 रुपए, अगर तीनों पेपर लेते हैं जेबी कॉम्बो पैक का तो 4500 रुपए, दोनों पेपर लेते हैं सीआईबी का कंपल्सरी पेपर वाला 3500 रुपए, दोनों कंपल्सरी पेपर लेते हैं सीआईबी का प्लस रिटेल बैंकिंग, उसका प्राइस है 4500 रुपए, ठीक है। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क कर लीजिए, कॉल अस, हमारा नंबर है 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6, हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com, ठीक है। और हमारा ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com, ठीक है। तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया ऑलरेडी 4 9 6 8 5 1 7, दूसरा नंबर 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6, हमारा वेबसाइट हो गया www.jaiibcaiibstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो गया sidsinha123@gmail.com। थैंक यू।